तो आपने अगर आईन आपकी नजर में बिल्कुल पांव तले रोन डाला है, कानून आपकी नजर में ऐसी नियत नहीं रखता, ये गिरफ्तार करके ले जाती है, ये इनका करतूत है। फिर मुझे बताएं कि फिर जो दहशतगर्द है एक्चुअली वो खुले फिरेंगे, जो डकैत है वो खुले फिरेंगे, जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं, आईन और कानून ये पामाल कर चुके हैं, इंसाफ के निजाम पे ये हमलावर है। अपोजिशन लीडर्स हैं, अगर आप उनको इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो ये तो बिला वजह की बदनामी कमाने वाली बात है। ये था फरमाइशी प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम जो होता है उसमें फिर बंदा जो है वो फिर छूटना नहीं चाहता, वो फिर कहता है कि जनाब फिर मुझे रख ही ले आप। ये कह रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुए? जी 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 बिल्कुल अपनी मर्जी से। अलीमीर गंडापुर साहब की पूरी स्टोरी सुन के आपको लगता है कि वो सच्चाई पे मबनी है? वो देखिए कंप्रोमाइज पॉलिटिकल लीडरशिप तो पीटीआई की है, इसमें कोई शक नहीं। सारे आपने डेढ़ घंटा शोएब साहब आपने बंद रखा, शोएब साहब खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी का मजाक, आईजी सिंध का मजाक उड़ाया। अच्छा आईजी गायब हो गया, हंस के क्या क्या इंटरव्यू मौजूद है शोएब साहब? अच्छा चाहे उसको मुलाकात कराने के उन घंटों के दरमियान वहां सारी वीडियोस मौजूद है, वहां पुलिस आती है और वो दर्जनों की तादाद में पुलिस मौजूद है, उनको घसीटते हुए ले जाती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्रॉड हुआ है तो अदालतों में जाएं। कौन सी अदालतों में जाएं? जिन अदालतों में जाना है वहां तो आपने पहरा लगा रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह आज पीटीआई की क़यादत को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, इस पर आज नून लीगी निहाल हाशमी ने कहा कि ये सब फरमाइशी प्रोग्राम था। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी ताकि पीटीआई की क़यादत को डी चौक में एहतजाज ना करना पड़े, क्योंकि आज इमरान खान ने डी चौक के हवाले से वाजिया काल का मैसेज देना था। इस पर शुएब शहीन ने निहाल हाशमी को क्या जवाब दिया, आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अब ये तो बकायदा कोर्ट आर्डर के तहत ये अरेंजमेंट थी, इनकी नज़र में ना कोर्ट की कोई हैसियत है, इनकी नज़र में ना ईवान की कोई हैसियत है, क्योंकि ये सारे जिसमें से तीन अपोजिशन लीडर्स थे, उमर अयूब नेशनल असम्बली का, शिबली फराज सेनेट का, मलिक अहमद बिचर पंजाब असम्बली का, और असद कैसर साबिक स्पीकर, और उसके अलावा साहेबजादा हामिद रजा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अली हमजा नेशनल असम्बली के साबिक मेंबर। तो अब ये लोग मिलने गए थे विद द म्यूचुअल कंसेंट एंड विद दी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, और ये मिलने गए और कोर्ट के आर्डर की तो ना हाई कोर्ट के आर्डर की कोई हैसियत है, ना ईवानों की कोई हैसियत है, इस कठपुतलियों के दरमियान से बंदूक की अहमियत है, बंदूक जिसके हाथ में होगी एक कांस्टेबल भी पूरे ईवान के ऊपर भारी है, ये इन्होंने इसकी हालत कर दी है, ये आईन और कानून है। अच्छा अगर कुछ जुर्म हुआ है भाई किसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है कि चार से ज्यादा बंदे नहीं जा सकते, कहाँ लिखा हुआ है कि ये आप तो एक जगह से आप किसी सदर की गली से या आप इसी अडियाला जेल पर आप जाकर तो देखें 400 बंदा इकट्ठे जा रहा होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने बेईमानी भी अगर करनी है तो कोई कानूनी तरीका तो अडॉप्ट कर लें। आपने कुछ भी करना है तो आपने अगर आईन आपकी नज़र में बिल्कुल पांव तले रोन डाला है, कानून आपकी नज़र में ऐसी नियत नहीं रखता, अडियाला जेल के बाहर दो घंटे आपने इंतजार किया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस आती है गिरफ्तार करके ले जाती है, ये इनका करतूत है। फिर मुझे बताएं कि फिर जो दहशतगर्द है एक्चुअली वो खुले फिरेंगे, जो डकैत हैं वो खुले फिरेंगे, तमाम क्रिमिनल्स खुले फिरेंगे, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी रियासती इदारे जो है वो सिर्फ पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ हरासमेंट क्रिएट करने, और इसलिए कि ताकि इनकी आपस में मुलाकात ना हो सके और कोई ऐसा फैसला ना हो जाए कि जिससे इनकी टांगे कांप रही हैं और या इनको कोई खतरा है या जो कुछ भी ये समझते हैं। लेकिन अगर कोई एहतजाज होगा या कोई प्रोटेस्ट होगा विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होगा। आपने देखा अलीमा और उज़्मा को गिरफ्तार किया, ठीक तो सर छोड़ें माजी में जो कुछ हुआ, इन्होंने जो बदमाशी की है उसका छोड़ दें, मैं किस तफसील में जाऊं। उज़्मा और अलीमा को गिरफ्तार किया, सारी पीटीआई आपकी मीडिया के सामने गिरफ्तार किया। आपको पता है मुकदमा क्या डाला? मुकदमा ये डाला कि जनाब ये बम लेकर के सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पे हमला करने जा रही थी, और मेरे ऊपर क्या मुकदमे डाले? 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर कर दिए, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, कहते हैं जी इन्होंने पिस्टल छीना एसएचओ से उसकी कनपटी पर रख दिया, दूसरी तरफ से जनाब वायरलेस छीना और उसके साथ ये कर दिया। यार खुदा खौफी करें, कुछ तो कर लें ऐसा काम जो कानून की नजर में, आईन की नजर में, पब्लिक की नजर में कुछ। मैं निहाल साहब से पूछता हूं, कोई काम इन्होंने ऐसा बता दे। जी जी बात पूरी करें, बात पूरी करें शेख साहब। मैं ये कहता हूं कोई काम इनका बता दे जो आईन और कानून के दायरे में हो या इंसाफ के निजाम के साथ कोई मुताबकत रखता हो, ठीक कोई ऐसा नहीं है। हमने तो हमेशा उसूल की बात की है, कानून की बालादस्ती की बात की है, इंसाफ के निजाम की दुरुस्तगी की बात की है, जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं, आईन और कानून ये पामाल कर चुके हैं, इंसाफ के निजाम पे ये हमलावर हैं, और इस कठपुतली इंतजामिया और ये गुलाम ब्यूरोक्रेसी और ये कठपुतली जो पार्लियामेंट यहाँ बैठी हुई है, इन लोगों को अगर इदारों के तकद्दस का ख्याल नहीं है तो फिर अफसोस की बात है, फिर घर कोई गन उठाए फिर जाकर उसको एग्जीक्यूट हो सकता है। इस किस्म के टैक्टिक्स से तो सर आप लोगों की और बदनामी होती है सर, ये घंटे एक घंटे की गिरफ्तारी की, इतने सीनियर मतलब पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, अगर आप उनको इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो ये तो बिला वजह की बदनामी कमाने वाली बात है निहाल सर। देखिए ये था फरमाइशी प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम जो होता है उसमें फिर बंदा जो है वो फिर छूटना नहीं चाहता, वो फिर कहता है कि जनाब फिर मुझे रख ही ले आप, कोई ऐसा काम कर जाता है। तो ये दरअसल था फरमाइशी प्रोग्राम आज शाम के लिए टॉक शोज के लिए मवाद देने का, इस तरह की कोई चीज नहीं। अगर उनको निहाल साहब आप बहुत बड़ी एक्विजिशन लगा रहे हैं यार, सर आप एक्विजिशन लगा रहे हैं, आप मैं तो समझाऊं शायद मैं समझा नहीं हूं, एक्विजिशन नहीं लगा रहा, आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुए? जी 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 बिल्कुल अपनी मर्जी से, ये सारे पढ़े लिखे हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, पार्लियामेंटेरियन, दे नो द रूल ऑफ लॉ। और दूसरी बात, शायद मेरे भाई शोएब ने तारीख पाकिस्तान की पॉलिटिकल करंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी,
जो करंट हिस्ट्री में इन 2018 ऑनवर्ड हुआ है वो अगर जरा देख लें, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इसको मिलने नहीं देंगे, हम इसको खाने नहीं देंगे, हम इसको रुलाएंगे, हम इसको हंसाएंगे, हम इसके साथ ये करेंगे, हम सहूलतें नहीं देंगे, हम इनको टांग देंगे, हम मार देंगे। हमारे लीडर ने कभी नहीं कहा नीले गुंबद में खड़े होकर के मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, घिरा दो, पीटीवी पे कब्जा कर लो, पीएम हाउस पे कब्जा कर लो, कल सुबह चले जाना, जाके पीएम हाउस पे कब्जा कर लेना। भाई हमने ये सियासत, ये तरबियत नहीं ली। अब ये फरमाइशी प्रोग्राम आप लोग करते रहे, माजी में भी फरमाइशी, आप देखें यहाँ से निहाल साहब, ये जो निहाल साहब ये जो आप फरमा रहे हैं ये फरमाइशी प्रोग्राम है। देखिए देखिए ये नहीं, मुझे मुझे सर आप तो वकील हैं, लेकिन के वजीर आला ने फरमाइशी जी 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 इनके वजीर आला ने फरमाइशी प्रोग्राम नहीं किया। कौन सा केपी से हाउस से डूबे 12 शहरों को अबूर किया और असेंबली हाउस पहुंच गए। ये कमाल है, सुलेमानी टोपी पहना हुआ होता है ना, मुझे लगता है अच्छा। ये वाहिद लोग हैं जो सुलेमानी टोपी पहन के जाते हैं, पुलिस के नजरों में नहीं आते हैं, वारदात के निकल गए। अब चूंकि आज सुलेमानी टोपी कंडापुर ने इनको नहीं भेजा था तो ये पुलिस को नजर आ गए। प्रोग्राम से फरमाइशी प्रोग्राम, ये अजीब आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया सर, मैं तो हैरान हो गया। मतलब पांच अफराद फरमाइश के तहत कहेंगे भाई हमें गिरफ्तार कर लिया, इस तरह हो सकता है कभी? मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें सियासत में होती रहती हैं। वैसे आप भी एग्री कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये माजी में भी होता रहा, अब भी होता रहा, कई लोग फोन करके खुद गिरफ्तार। कैसी बात है, मैं आने से आपसे कहूँ, यकीन लोग खुद गिरफ्तार, खुद लोग फोन करके कहते थे जी हमें गिरफ्तार कर ले, हमें एहतजाज में न जाना पड़े, ऐसा होता रहा माजी में और अब भी होता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक साहब लाहौर के लीडर हैं, जलसे में नमूदार होते हैं, जलसा से खिताब करते हैं, फिर आराम से चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है? हमाद अदर साहब मुझे बताइए ना, कैसा मुमकिन है कि वो लाहौर में आए, जलसे से खिताब करें, स्टेज से पीछे से उतरें और पुलिस को जो है वो बस आंखें देखती रहेगी और वो गायब चले गए। ये जिसका जिक्र अभी किया निहाल हाशमी साहब ने, अलीमीर गंडापुर साहब की पूरी स्टोरी सुनकर आपको लगता है कि वो सच्चाई पे मबनी है? वो बारह पत्थर मारा, गाड़ी रुक गई। देखिए कंप्रोमाइज पोलिटिकल लीडरशिप तो पीटीआई की है, इसमें कोई शक नहीं, सारे नहीं हो सकते, कुछ लोग होंगे, इसलिए निहाल हाशमी साहब का कोई इल्जाम इतना गलत इल्जाम मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन अभी वैसे ये कह रहा हूं, अभी जैसा शुएब साहब बता रहे थे कि उनके ऊपर जो है वायरलेस छीनने का शुएब साहब को मैं कहते थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूं। ये सब रवायती किस्म के सियासतदान शायद नहीं है मेरे ख्याल में, अच्छे कानून दान है। ये जो रवायती सियासतदान है आपने और मैंने सब देखे हुए कि किस किस्म की सियासत करते हैं। अभी ये जो लिस्ट इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की होती है, एक जरा अंदाजा लगाइए कि किन किन पार्टियों से होते हुए कहाँ पहुंचे हुए हैं। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है इनके हर दौर में रबते भी रहते हैं, हर दौर में अपनी जगह भी बनाते रहते हैं। आज पीटीआई की पॉपुलरिटी कम हो गई, देखिएगा ये कितने लोग यहाँ से दौड़ लगा देंगे, जिन्हें आपको नजर भी नहीं आएंगे कैसे लोग जा रहे हैं। यदि इसलिए मैं समझता हूँ, देखिए लेकिन जो बात की निहाल हाशमी साहब ने, उनका जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल कुछ बातों पर पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती भी हो रही है, कहीं उनकी लोगों की गिरफ्तारियां भी की जाती हैं, लेकिन ये शायद वो पहिया जो घूमता चला जा रहा है। आपने अपनी जगह बनाई, शुएब साहब से कहते हैं ना, फिर शुएब साहब माफी मांगनी पड़ेगी जनाब आपको, आप माफी मांगेंगे, उसके बाद नून लीग से भी माफी मंगवाएंगे, उसके बाद आप हंस रहे हैं, इतनी सीरियस बात नसरुल्ला मलिक साहब ने कही है, ये आप लोग करेंगे तो आगे चलेंगे ना सर? मुझे नसरुल्ला मलिक साहब के साथ एहतराम के साथ, मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आप जब मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बनना है तो फिर मेहरबानी करें। नहीं सर, तो बंदे बैठे हुए आप कह रहे हैं चले, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आपके तजिए की रोशनी में कह रहा हूँ। मुझे बता दें अगर ये खुद जेल में गए हैं तो कौन जिम्मेदार है, मुझे बता दें, फिर आप एक्शन लेना। नून वाले बैठे हुए हैं ना, इनको कहें कि उस एसएचओ को उठा करके जेल में बंद करें कि जिसने उनको उठाया। देखें इलीगल कन्फाइनमेंट एक मिनट की भी अगर हो, किसी बंदे को रखें, किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की लाइफ एंड लिबर्टी को किसी सूरत आईन के मुताबिक विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप उनको नहीं रख सकते। आपने डेढ़ घंटे बंद रखा है, सर वो क्या था आईजी साहब जो गायब हो गए? सुन ले, मेरी बात मुकम्मल करने देना, मैं आपको जरा बात कर लूं। मंसूर साहब फिर आप मेरे से सवाल कर लें। मेरी बात तो ये, खुद जेल गए हैं ना, तो जिसने उसको उठाया है आप उसके खिलाफ एक्शन लें। एक मिनट के लिए भी किसी की लिबर्टी को आप कन्फाइन नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये आपका आईन कहता है। अगर इस मुल्क में आईन है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। अगर कोई पर्चा था तो उसको जेल में भेजते, बताते कि हाँ जी ये पर्चा है, आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते या वारंट दिखाते, आपने नहीं किया, आज उसके खिलाफ एक्शन बनता है। और फिर अगर आपके अपोजिशन लीडर्स जो कि सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर या चेयरमैन सेनेट हुआ करते हैं, अगर आज उनकी ये डिसरेस्पेक्ट है, मैं आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। शुएब साहब, मैं सर कथा कलामी की माजरत, शुएब साहब एक्चुअली सर मुझे इजाजत सिर्फ दीजिएगा, मैं सॉरी, वेरी सॉरी, मैं आपको इंटरसेप्ट कर रहा हूं, लेकिन सर एक्चुअली रीजन ये है, मेरे ख्याल में हम दोनों ना डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मलिक साहब का और निहाल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वो तो जो कुछ भी हुआ है वो फरमाइशी प्रोग्राम है, अपनी मर्जी से गए हैं। सर अगर वो अपनी मर्जी से गए हैं फिर तो इलीगल कन्फाइनमेंट का इशू नहीं हुआ ना, फिर तो वो सवाल ही नहीं होता। अगर तो अपनी मर्जी से फरमाइशी प्रोग्राम हो रहा है, अगर वो ये अगर और उसका मकसद ये है कि जी हमें कह दिया जाए ताकि हम, मेरे ख्याल में मलिक साहब मैं अगर आपकी बात सही समझाऊँ, ये कि जी हम खान साहब से नहीं मिल सके, हम खान साहब से मिल नहीं सके, मिलायबल मिल नहीं सका, तो ये हम इस वजह से जी ना सुने जी, घंटे घंटे घंटों वहां इंतजार करते हैं, घंटे कई घंटे हाई कोर्ट का वो आर्डर लेकर जाते हैं और जेल सुप्रिंटेंडेंट को नहीं मिलने देता,
बजाय उसको मुलाकात कराने के उन घंटों के दरमियान वहां सारी वीडियोस मौजूद है, वहां पुलिस आती है और वो दर्जनों की तादाद में पुलिस मौजूद है, उनको घसीटते हुए ले जाती है, ठीक है, और जिस अंदाज से उनको लेके जाती है पूरी वीडियोस मौजूद है, ठीक है। क्या उन्होंने खुद कहा जेल सुप्रिंटेंडेंट को कि जनाब मेरी मुलाकात न कराएं? क्या उन्होंने खुद कहा SHOs को बुलाया, उनको RPO को फोन किया, आई जी मुझे गिरफ्तार हमें करके ले जाएं? ठीक है। और अगर ऐसा कहा है तो वो कौन जिम्मेदार है कि जिसने इसको एग्जीक्यूट किया है और किस तरह क्यों किया है और उसका फायदा क्या होना है? अच्छा ठीक है जी, मान लेते हैं कि हमने खुद करा है, तो जिसने ये गलत इलीगल काम किया है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? अच्छा जी, दूसरा आप आते हैं, मलिक साहब ने कहा जी 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ, 2018 का इलेक्शन 3.5 साल हमारी इक्तदारी ना 16 महीने की रही ना, 16 महीने में दो चीजें मुझे बता दें, 2018 के इलेक्शन के बाद कितने फॉर्म 45 ये लेकर के घूम रहे थे जो आप सैकड़ों की तादाद में आज लेकर हम घूम रहे हैं? ठीक है। नंबर टू, 16 महीने में कौन सा जुडिशियल कमीशन बना के उन्होंने फाइंडिंग्स दी कि जनाब ये हैं फाइंडिंग्स जिसके नतीजे में इलेक्शन चोरी हुआ? मैं ये नहीं कहता कि हुआ होगा, इंडिविजुअल हुआ होगा, चोरी भी हुई होगी, गलत भी हुआ होगा, लेकिन कोई फाइंडिंग्स देंगे ना? मैं आज आपको ऑफर करता हूँ, जुडिशियल कमीशन बनाए 2024 और 18 दोनों का आप ऑडिट कराएं इकट्ठे, ताकि सच सामने आए और उसके नतीजे में जो कसूरवार साबित हो वो जरूर माफी मांगेगा। इकट्ठे आगे आए दोनों इलेक्शन, नहीं दोनों इलेक्शन इकट्ठे, नहीं दोनों इलेक्शन इकट्ठे उसका ऑडिट कराएं, ठीक है, ठीक है, 2018 का भी 2024 का भी, ठीक है, जो साबित हो जाए कि ये कौन कौन इसमें मुलव्वस है, सच सामने आ जाए, जो कसूरवार पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए कानून के मुताबिक भी और माफी भी मंगवाएं। अच्छा अब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्रॉड हुआ है तो अदालतों में जाएं, कौन सी अदालतों में जाएं? जिन अदालतों में जाना है वहां तो आपने पहरा लगा रखा है 26वीं तरमीम के जरिए, लेकिन बट इरिस्पेक्टिव छोड़ दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो वर्किंग शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी रिटायर्ड जज के पास जाओ, आज 9 महीने होने के बावजूद 10वां महीना शुरू हो गया है, 6 महीने में फैसला होना है, आज इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर मेरी पिटीशन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, मेरी पिटीशन नहीं है मेरे मुखालिफ की, उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है कि किस जज के पास भेजना है अभी तक ये तय नहीं किया, सिर्फ 1 महीने के लिए पिटीशन सुननी शुरू की, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इनकी चीखें निकल गई, उसने सिर्फ एक गलती कर ली, उसने कहा जी फॉर्म 45 ले आए, उस पर इनकी चीखें निकल गई, बजाय इस बात के फॉर्म 45 लाते उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बैठ गया, पहले ट्रांसफर कर दिया एक अपने हैंड पिक जज। नाज़रीन आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, शुएब शाहीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2024 के इलेक्शन और 2018 के दोनों इलेक्शन का ऑडिट इकट्ठा करा लें, लग पता जाएगा। शुएब शाहीन ने कहा कि आज तो हम फॉर्म 45 हाथ में पकड़े फिर रहे हैं और इनसे जब फॉर्म 45 मांगा जाता है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही चेंज कर देता है और ये हमें कहते हैं कि अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा। कौन सी अदालतें? ये अदालतें जिन पर इन्होंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। नाज़रीन आप आज की वीडियो के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।